जिसका मॉडल है JPN632 और ये हाई स्पीड और रिचार्जेबल फैन है, 100% कॉपर मोटर है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इसके अंदर लाइट भी है, आई थिंक सो के लाइट भी होगी, वो चेक करेंगे, खोल के दिखा देंगे आपको। चार्जिंग टाइम बता दूँ तो 12 से 15 घंटे आपको फर्स्ट टाइम चार्ज करना पड़ेगा, बकाया आप जितनी इसकी बैटरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर इसका अगर लो स्पीड हाई स्पीड पे चलाएंगे आपको 2.5 घंटे बैकअप देगा, मीडियम पे चलाएंगे 6 घंटे देगा, लो स्पीड पे चलाएंगे 30 घंटे आपको बैकअप टाइम देगा। LED का टाइम है आपको जो है 45 घंटे इसका जो, हाँ लाइट है, इसके अंदर डायमेंशन वगैरह लिखी हुई है, बकाया आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ आपको एहतियात वगैरह बताई गई है किस तरह आपने इसको आउटडोर ऑफिस वर्कशॉप एंड स्टील एंड स्टैंड बोथ ये जो है कर सकते हैं। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको चेक कराते हैं अंदर से क्या क्या चीज़ निकलती है और आपको सैम्पल करके दिखाते हैं। आई थिंक सो कि ये मैंने पहले अपने चैनल पे पिछले साल नहीं चढ़ाई थी तो इस साल इसका फुल रिव्यू देंगे। हमारे पास ये लिमिटेड स्टॉक है, हालांकि ये जो फैन है ये जिसका भी मैं रिव्यू दे रहा हूँ ये मेरे पास ओनली 1 पीस है, तो जिसको चाहिए वो सामने दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अनबॉक्सिंग हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि एक घर के अंदर मैं रिव्यू दे रहा हूँ और ज्यादा गंद ना डले, नहीं तो घर से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इसकी सारी चीजें और ये इसका एक गाइड मैनुअल है, लेकिन शायद मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े और क्योंकि मुझे सब पता है। ये इसका जो है पैड वगैरह है और ये 16 इंच में आता है, ये मैं आपको बता दूं, सांस चढ़ गया, चीज़ें इसकी मैं लैदा कर लूं। ये इसकी बेस है, दोनों ही मेन है, मैं इसको मेन कहने लगा था, बेस भी मेन है और ये भी मेन है। एक दफ़ा लग जाएगी ना तो इसको खोलना मुश्किल है, लेकिन हम लगाएंगे ज़रूर क्योंकि हमने रिव्यू देना है, फिर इसको दोबारा बंद करना पड़ेगा, तो चलो कोई नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। ये इसकी नीचे से लीड निकालनी है क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनको जोड़ना भी नहीं आना आता होता, या तो वो पैक ही लेते हैं। अब जिस तरह मुझसे कोई लेगा ऑनलाइन मंगवाएगा तो उसको मैं पैक ही भेजूंगा, तो इस वजह से मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ। ये आपने फुल इस तरह जोड़ लेना है, अंदर पिन आ रही है उसके लिहाज से, ठीक है। फिर आपने जो है इसको इस तरह अंदर डाल देना है। मैं इसको फुल टिक शायद ना करूं क्योंकि मैंने इसको दोबारा डीटैच भी करना है, और सिर्फ और सिर्फ मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं आपके लिए। और फिर इसको जो है हम लगाएंगे इसकी चीज़ें जो हमें मिली हैं साथ, पर वगैरह ये तमाम चीज़ें लगा के आपको चेक भी तो कराना है ना कि हाउ इज इट वर्किंग, ये काम कैसे करेगा। तो ये इसका नीचे वाली साइड आ गई, इसके ऊपर हम स्क्रू करेंगे लाइक दिस। ये इतना मुश्किल नहीं है इसको असेंबल करना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, जिसको जो पहली बार दफा कर रहा होगा उसको तो शायद समझ ना लगे, लेकिन यह है कि इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ये रहा इसका पर, ये आपने सेट करना है यूं, फिर इसके ऊपर ये स्क्रू है, ये आपने लगा देना है। पता नहीं अब पंखा फुल आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि आ रहा होगा। आपने फुल लगा देना इसके ऊपर, एक साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इस साइड पे लूज होगा और इस साइड पे टाइट होगा, ये लग चुका है। अब इसके आगे हमने ये लगाना है और इसके लिए हमें पहले ये सेट करना पड़ेगा इस तरह, ये लग गया। अब इसके अंदर जो ये हमें दिया गया है सोगो की प्लेट आपने लगानी कैसे है, ओके यहाँ पे यूं लगा दे इसकी सोगो की प्लेट को और दरमियान पे कर दे। कलर बहुत कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है इसका, वाइट एंड ऑरेंज
लेडीज कलर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये रहा हमारा रिचार्जेबल फैन, रेडी हो गया है, ये रेडी टू यूज है, आप इसको अब इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको हटा लेता हूँ ये चीज। और हाँ, इसके साथ आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि आपकी बैक साइड पे लगेगी, बैक साइड पे नहीं, वेयर साइड पे लगेगी शायद, ये यहाँ पर लगेगी इसकी चार्जिंग केबल। ऑन करने के लिए पावर का बटन दबाएंगे, ऑन हो गया है। अब इसके अंदर आपको स्पीड्स नजर आ रही हैं, प्लस करेंगे ये अभी 5 स्पीड पे चल रहा है, ये मैक्सिमम है स्पीड इसकी। अभी चार्जिंग जरा स्लो है, लो है। अभी इसको फुल चार्ज भी करेंगे तो, और इसके अंदर फिर ये लाइट है। वैसे भी आपको इतना नहीं पता लगता कि हवा कितनी तेज है, क्योंकि इस चीज़ का आपको, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, वहाँ पर फूल पड़े हुए तो वो हिले सारे कमरे में, मतलब कि हवा फैल रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, या आप मूव कर सकते हैं इसको, अपना दिखाता हूँ ये, इसको आप खोलेंगे तो ये मूव नहीं होगा, इसको दबा देंगे मूव हो जाएगा। लाइट है, चार्जिंग के लिए पोर्ट भी दी गई है, यानी कि मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। 12 वाट यानी कि आप सोलर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं इस पंखे को। तो मैं इसको आपका रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। अब ये देखें, ये रूम है तो सामने अगर जाता है तो वो हिलता है, वो फूल हिलते हैं, वो फूल हिलते हैं जब वहाँ पर जाता है, देख सकते हैं। ये इसका जो है रिव्यू कह लें या थ्रो कह लें, काफ़ी है थ्रो। और यहाँ से अब आप इसको ऑफ करेंगे, ये इसकी चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, 100, 75% है, 50% है, या तो आपकी जो है 25% है। इसको हम फिर चलाते हैं, ये बस यहाँ पर हम इसको ऑफ कर देंगे। ये था हमारा रिव्यू उस रिचार्जेबल फैन का जो कि सोगो कंपनी की तरफ से आता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आई होगी, और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी इसकी हो जाएगी, आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, देन हम आपको जो है डिलीवरी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो काम आई होगी। ये लिमिटेड स्टॉक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द ले लीजिएगा। ये हालांकि एक ही पीस है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास 4 और हैं, वो भी मैं रिव्यू डालता रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।